गाइस मैं आज करने वाला हूँ गेस द मॉब इमोजी चैलेंज। क्या 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 बैतलो बैतलो क्या 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 तो गाइस आप में से काफी लोगों को समझ में नहीं आया गाइस, उन लोगों को मैं बता देता हूँ गाइस कि बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे देखो गाइस ट्रिगर इंसान बिक्सु है और भाई काफी सारे यूट्यूबर उन लोग ऐसा करते हैं, तो क्यों ना गाइस मैं सोचा गाइस मैं भी करूँ। अच्छा तो गाइस मैं बता दूं गाइस मैं गाइस बाया बाया अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस मैं ये कहना चाहता था गाइस कि मैं गाइस बोया बयान का माइक खरीद लिया हूँ। और गाइस कमेंट में ये मत बोलना भाई कि तू यूट्यूब के पैसे लिया। भाई मैं यूट्यूब के पैसे से बिल्कुल भी नहीं लूंगा भाई। भाई इसके लिए बता दूं, दो महीने से गाइस मेरे घर वाले को 10-20 रुपए देते थे, उसको जोड़ के लिया हूं भाई। क्यों फालतू भाई जब कमेंट करोगे, इससे अच्छा मैं बता दिया आपको कि गाइस पैसा मैं अपने सेव करके लिया हूं भाई, बता दिया। मैं सच सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलो गाइस अपना वीडियो को भी अपन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहला अपना इमोजी देखते भाई क्या गया, एक फैन आया और भाई टॉम। तो मेरे को तो गाइस ये ऐसा एहसास हो रहा है कि ये फैंटम होगा। तो इस तो गैस करते हैं, क्या आप भी कमेंट में गैस करो। मेरे हिसाब से फैंटम होना चाहिए। तो गाइस क्या ये फैन और टॉम लिखा भाई, तो क्या देखते फैंटम। देखिए इसमें कितना प्रो हूँ गाइस माइनक्राफ्ट में, इजी जान गया भाई ये क्या क्या गाइस। आप कमेंट में जरूर बताना गाइस आप गैस कर पाए कि नहीं। चलो गाइस अपना अगला बढ़ते। अबे ये क्या आ गया भाई, ये क्या लिखा भाई, खिड़की टाइप का बना भाई, ये फ्रेम और एक्स लिखा भाई, ये क्या भाई फ्रेम एक्स नहीं होता। अबे यार ये पीके एक्स था। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। गाइस ये सरासर ना इंसाफी गाइस, यहाँ करने तो फ्रेम रखा है गाइस, तो पीक कैसे हो सकता है भाई। पीक एकदम पिक्चर छोटा सा रहता है गाइस। अब ये भाई ये क्या दे दिया भाई, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर के ऊपर से गायब है भाई ये, मतलब खोपड़ी खोल के चले गए। अरे बाबा ये तो भाई ये क्या एक इंसान और ये स्टीक 10 सेकंड। अबे अरे जोगलिन था भाई, ये कौन सा लॉजिक है भाई गाइस, इसमें तो कुछ भी हो जा रहा है, सब खोपड़ी खोल के चल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या गाइस। आपको पता था अभी कमेंट करके जरूर बताना। और ये कार तो कार है इसको, टू ग्राफर मतलब ये कार्टोग्राफर ही है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ यही होना चाहिए कार्टो। अगर कार्टोग्राफर नहीं होना तो यहीं से गेम हटा दूंगा, एग्जिट गेम। हाँ भाई कार्टोग्राफर टेबल, हाँ भाई ये सही है। देखिए आपको भाई भाई प्रो होते जा रहा है भाई, ये गेम में इतना इजी लग रहा है यार अब तो, लेकिन कुछ अद्भुत चीज मत आ जाए फिर वापस से। अबे ये क्या आ गया, ये हवा और ये आई और ये कैट भाई, तो इसका क्या होना चाहिए भाई। ये इसको ये हवा कुछ बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, मेरे विंड था यार मैं भूल गया यार, विंडिकेटर गोबर फराय का तुम्हारे भेजे में। गाइस इसमें ऐसा ऐसा गुस्से आ रहा है कि मतलब मेरा मेरे को चक्कर आ रहा है भाई, मेरे को अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब ट्रली। अबे यार ये तो एकदम इजी भाई, देख लो इधर गोल्ड नगेट रखा है, इधर इन रखा, इधर एप्पल सिंपल गोल्डन एप्पल, देखते हैं फिर भी क्या होता है, गलत गलत ना होगा। 10 सेकंड गोल्डन एप्पल, देखो इजी था भाई। गाइस मेरे को बिल्कुल भी नूब मत समझना गाइस, मैं भी थोड़ा बहुत प्रो हूं गाइस, थोड़ा बहुत पता है। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्या है, राइट एंड, ये क्या बवासीर बना दिया भाई, ये मतलब टट्टी अट्टी बना दिया भाई, मतलब सर के ऊपर से घूमे जा रहा मेरे को, इसका तो भाई नो आइडिया। चेक और उसके बाद कल का चिकन, गाइस ये तो कुछ भी हो गया गाइस, चिकन बना दिया उसको, मतलब कुछ भी हो जा रहा है यार। चलो गाइस अपना अगला देखते हैं। हाँ भाई ये तो इजी एकदम सुपर इजी, एंडर पल देख लेना गाइस, 100% मैं सही बता रहा हूँ, एंडर पल ही होना चाहिए। देखे गाइस अद्भुत एंडर पल ही होना, एंडर पियर लिखा लेकिन इसमें जो भी अभी एंडर पल होता है इतना पता था मेरे को। चलो कुछ अपना अगला देखते हैं, आयरन और उसके बाद गोल, आयरन गोलम यार एकदम सुपर इजी है भाई, ये तो लिटरली बता रहा हूँ यही होना चाहिए भाई, देखते क्या होता है सेंटर। आयरन गोलम देखो भाई इजी भाई। अब गाइस मैं नूब ना रहा गाइस, मैं प्रो हो चुका हूँ, बस नूब नूब ना रहा और वापस से नूब हो गया। ये क्या भाई, हाँ हाँ अब समझ में आ गया भाई, इजी इलाइट्रा इलाइट्रा इलाइट्रा, हाँ भाई क्या ये, हाँ देखते भाई क्या होता है इलाइट्रा।
ये तो इजी था भाई, इजी बता देता भाई, इलाइट्रा ही होने वाला। लेकिन भाई मैं गैस किया था, इसमें को लिटरली पता नहीं था, बस मैं लाइट को देख के बोल दिया कि इलाइट्रा। और ये कैरी भाई ये क्या है भाई, ये सर के ऊपर सर फोड़ दिया तो मेरा भाई क्या होना चाहिए ये भाई, ये पियर जो भी भाई, मतलब गिव अप। अबे यार क्रीपर था भाई ये। गाइस ये इतना इजी था भाई, मैं फिर भी भाई बता नहीं पाया यार क्रीपर यार। चलो गाइस अगला बढ़ते, अपना अगला कौन सा है? तो गाइस अपना अगला क्या भाई, ये कोल्ड वाला इमोजी है गाइस, रन। तो ये शायद तक मेरे हिसाब से होना चाहिए कोल्ड रोन, कोल्ड रन जो भी बोलते हैं वो होना चाहिए। देखते भाई क्या होता है भाई, क्या है ये भाई, कोल्ड रोन। ये तो बहुत ही सिंपल था भाई, इजी भाई, कोई बच्चा बता देता इसलिए गाइस मैं ही बता देता हूं। अपना अगला बढ़ते हैं और अपना ये क्या भाई, देखते हैं भाई क्या होता है। और ये भाई ये तीनों मेरे को नहीं पता गाइस क्या, मतलब मेरा गिव अप गाइस 10 सेकंड रुकते हुए, देखते हैं क्या होता है गाइस, क्योंकि मेरे को इसमें तो कुछ आइडिया नहीं, मेरे को कुछ अता पता नहीं है। देखते हैं ये क्या लिखाता है भाई इसमें। तो इसमें लिखा भाई, देखते भाई, ईडन गार्डन। अबे ये भाई कमेंट में बताना गाइस माइनक्राफ्ट पे ये होता है क्या ईडन गार्डन भाई, कुछ तो मैं हो देखा ही नहीं भाई। ये तो भाई सिंपल ही गाइस एंड पोर्टल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वही लग रहा भाई। अब पता नहीं गाइस क्या होगा, मैं तो चौड़ी चौड़ में कुछ भी बोले जा रहा हूँ भाई, एंड लिखा भाई पे पोर्टल बोल दिया, एंड क्रिस्टल था यार। गोबर फराय का तुम्हें भेजे मैं, हाँ सच्ची में गाइस मेरे दिमाग में पूरा गोबर ही भरा है, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ यार, कुछ मेरे को समझ में आ रहा, कुछ ही बक दे रहा हूँ। और ये कैप्सूल, और भाई ये क्या भाई कैप्सूल लाइट भाई, क्या भाई ये क्या भाई, ये क्यों बनाते हो भाई वीडियो भाई, ये क्या क्या ला देते हो भाई, कुछ समझ नहीं रहा भाई। ये क्या लिखा भाई, पिलेजर आ गया भाई, वो लेजर था यार भाई, मैं लेजर कोई समझ नहीं पाएगा इस, उसको मैं पेन मैन समझ रहा था यार। और ये पत्थर और ऐसा ग्राइंड स्टोन होना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई ग्राइंड स्टोन ही होना चाहिए क्योंकि वो घूम रहा है ना, ग्राइंड ही तो होगा यार। अबे यार लोड स्टोन कहाँ से आ गया भाई, ये क्या क्या लॉजिक है भाई, लोड स्टोन कहाँ से आ गया, इसकी ऐसी तैसी भाई अब तक पढ़ा नहीं हो भाई माइनक्राफ्ट में। और पिग, और ये भाई ये एरो भाई पिछले में भी आया था भाई, पिगलिन हाँ गाइस पिगलिन होना चाहिए भाई, एरो मतलब तो कुछ भी है पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस पिगलिन तो हाँ यार, क्या हुआ पिगलिन। हाँ गाइस मैं 10 करोड़ रुपए जीत चुका हूँ क्योंकि भाई मैं पिगलिन बता दिया तो। और चलो गाइस अपना अगला क्या है भाई, देखते हैं अगला। लॉल घर, अबे कैंप फायर, हाँ भाई ये कैंप है और ये रेड वाला फायर है, तो मतलब कैंप फायर यही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है अपना कैंप फायर, देखो भाई सुपर इजी यार। देखिए इसमें कितना ज्यादा प्रो हो चुका भाई, इजी बता दिया इसको। चलो जब अपना अगला देखते हैं क्या है, बी लेस मतलब बी है इधर और लेस है भाई, क्या होना चाहिए ये गिव अप भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बी लेस लेस है, ब्लेज भाई, ये कौन सा लॉजिक है भाई, ये कौन सा लॉजिक एंड कौन सा साइंस से बनाया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये गई फ्रेम है एंड गाइस बीच और टर्न, फ्रेम लैंटर्न कुछ भी अबे हाँ लैंटर्न, हाँ अबे कुछ ऐसी होना चाहिए भाई कुछ, हाँ भाई सी लैंटर्न भाई, मैं थोड़ा गलत बोले सी लैंटर्न था। तो गाइस आपको ये वीडियो गाइस कैसा लगा कमेंट करके बताना गाइस, और गाइस कमेंट बताना कि नेक्स्ट एपिसोड लाओ कि नहीं गाइस, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि 800 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है।